अगर आपने हमारे को नहीं किया है करके और बटन नमस्कार जी नमस्कार क्या नाम है बहन जी आपका मीरा सौक कहा के रहने वाले हैं आप छिंदवाड़ा जिला बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली 2017 संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान जी की भक्ति करते थे दुर्गा जी की भक्ति करते थे और घर के देवी देवता की भक्ति करते थे हम पे इतनी बड़ी बूबे आई थी कि हमको अल्सर हो गया था इतना अल्सर हो गया था कि तीन साल से हम बहुत परेशान थे और हमारे भगत जी को भी लीवर पिलिया हो गया था तो हम दो ही जने बहुत परेशान थे इतने परेशान थे, थे हम बाबा बैरागी पास जाते थे और मंदिर मस्जिद सब जगह जाते थे और ए, बाबा बैरागी मदिर मदिर और दुनिया में जाके घूम के फिरते थे हम समझ लो महीने की दस हज़ार की दवा खाते थे दस हज़ार की दवा खाने के बाद में हमको भी जब तक आराम मिलता था जब तक हम खाते थे उसके बाद में फिर जहाँ की वहाँ तो अब हम गरीब आदमी कहाँ तक दवा खाएंगे तो हमने एक बाबा ऐसे चुने कि वहाँ जाते थे तो वहाँ भी परिहार ऐसे करते थे दस दस हजार रुपये मांगते थे तो हम क्या करें दस हज़ार को फिर हमने कहीं कहाँ जहाँ कहाँ हमने कि मालिक ऐसे जगह ढूंढ दो हमको कि कम से कम हम कहीं भी पार लग जाए या तो उठा लो मालिक हमको दुनिया से या तो हमको कहीं पार लगा दो तो हम ऐसे 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 में बहुत घबराने लग गए तो अब ज़्यादा ही बीमार पड़ने लगे भगत जी अब ज़्यादा बीमार पड़ने से फिर हम क्या हो गए एकदम टेंशन धर ली तो हमने टेंशन धर ली तो हमको अल्सर हो गया अल्सर होने के बाद भी फिर हमारे भगत जी ने तीन साल में तो तीन लाख रुपये लगाए तीन लाख रुपए लगाने के बाद में भी फिर भी अभी कुछ भी समझ नहीं आया तो फिर एक बार हमारे मोहल्ले में भाई बोलने वाली बेटा नागपुर चल जाए एक बार नागपुर से इलाज करवा ली तो हम गए वहाँ नागपुर में पाँच हज़ार रुपये ले गए बांध के इलाज करवाए वहाँ पे तो पाँ मशीन डाले उनने हमारी गले में तो मशीन डाले तो एकदम मेरी ही नटेर गई ही नटेरने के बाद में फिर मेरे को थोड़ी सी तसली आई फिर हमने आए तो वहाँ बिस्तर में पलंग में सू डे डॉक्टर ने बोले कि इसको घर ले जाओ इसकी सेवा चक्कर जो बने आपसे जो बने सो करो खिलाओ पिलाओ इसको जो भी खिलाना है तो अब हमारे यहाँ बच्चे लोग को तो बताए तो सब रोने गाने लग गए बच्चे कहने लगे कि मम्मी घबरा नहीं हम तो है सब कोई तुम्हारे साथ में भगवान है अपने साथ में फिर हमने कही ठीक है बेटा इतनी सी एक कटोरी दलिया भी नहीं पी पाते थे और पानी और खाना तो हम तो खा ही नहीं सकते थे भगत जी खाना खाने के बाद में ऐसा लगता था कि गड़ रहा है अंदर टेटुआ में कुछ बड़े बड़े छाले हो गए थे हमने कि अब क्या करें बहन जी आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु शिव जी की पूजा करती थी देवी देवताओं में आपकी बहुत गहरी आस्था थी इस भक्ति साधना से आपको कोई लाभ नहीं मिला तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा हम गए छिंदवाड़ा से सास के घर झांसी तो हमको गाड़ी में मिले एक संत रामपाल जी के शिष्य फिर उन्हें संजय आरती लगाई भगत जी संजा आरती लगाई तो हम बहुत बार आते जाते थे झांसी से हमारा ससुराल ही है वहाँ का झांसी का तो हमने कही ये आरती तो हमने बहुत बार सुनी है तो हमने हमारे आरती होने के बाद में फिर हमने बोले कि भैया ये आरती हमको भी दे दो तो बोले बेटा ये आरती ऐसी नहीं मिलती तो हमने कि कैसी मिलेगी तो बोले इसको गुरु दक्षिणा लेना पड़ता है तो हमने कि हमारे गुरु तो है तो नहीं बेटा बोले ये गुरु लोकल होते हैं बोले तो हमने कि लोकल गुरु कैसे होते हैं असली गुरु कैसे होते तो बेटा बोले आप एक बार बैतुल आई है बोले तो हमने कही ठीक है आएंगे तो बोले आप कहाँ जा रहे हैं तो हमने कही हमारी बुआ सास को कैंसर हो गया तो वहाँ जा रहे देखने तो बोले आपकी भी तो हालत उतरी है तो हमने कही हम हमको अल्सर हो गया और हमारे भगत जी को पिलिय लीवर हो गए तो हम दवा लेने जा रहे है तो उनने भगत जी ने बोले कि बेटा एक काम करो आप झल्ली से झल्ली बैतुल आई है बोले और गुरु दक्षिणा लेके नाम संतान रामपाल के दक्षिणा ले के आप उद्धार हो जाइए तो हमने कही ठीक है आएंगे तो हमने कहा हमारे रिश्तेदार तो कोई रहते ही नहीं बैतुल में हम क्या करें वहाँ से आ तो बोले हम तो है आपके रिश्तेदार आ तो तो हमने कि आपका नंबर दे दो तो हमारी बेटी भी है थी बड़ी वाली तो बोले ये ज्ञान पुस्तक ले लो बोले ज्ञान गंगा इसको पढ़ा कर तो भगत जी हमने कह हम तो पढ़े नहीं है भाई साहब हम कैसे पढ़ेंगे तो बोले कोई भी तो पढ़े होंगे तो हमने कहा ठीक है तो हमने बिटिया से बोली कि बेटा ले लो तो बड़ी बिटिया बोलने लगी ले लो मम्मी बोले तो हमने पुस्तक ला के रख ली हमने उनसे नंबर वम्बर सब ले कर तैयार कर ली हमने फिर भी भगत जी हम पर विश्वास नहीं आया हमने फिर भी तीन हज़ार रुपये की दवा लेके आए वहाँ और हमारी बुआ सास को देख के आए आने के बाद हमने झांसी से दवा लाए दवा खाए दवा खाने के बाद में जितसे के वैसे ही फिर होने लग गए एक महीना अच्छे रही है फिर ज़्यादा ही होने लगे ज़्यादा ही होने तो हमने हमारे पति से बोले कि हमने कही वो भैया मिले थे अपन को गाड़ी में उसका नंबर देखो अपन उसको नंबर लगा के पूछते तो भाई कैसा है अपन देखे तो भाई वहाँ भी की दवा खा के तो देखे अपन अच्छा हो जाए तो अच्छा ही नहीं तो हमने तो बहुत कुछ इलाज कर लिए हमने कही अब क्या करेंगे बताओ तो बोले ठीक है हमने नंबर लगाए तो बेटा बोले मैं सेवा में हूँ बोले बेटा अभी मैं कहाँ चल आ जाऊँगा बोले तो बोले मैं आप जैसी सेवा से लौटूंगा बोले वैसे आपको फोन करूंगा तो हमने कि ठीक है अब भगत जी मैं तो बहुत ज़्यादा होने लग गई सर इतनी ज़्यादा होने लगे कि मैं उठ के पानी नहीं पी सकती थी तो अब मैंने कई गुंडी का पानी पीती थी तो सर मेरे को अच्छा नहीं लगता तो हमारे भगत जी ने तुरंत दस हज़ार की फ्रिज लाए कर्जा बाम करके तो हमने फ्रिज का पानी पीना चालू कर दिए फिर हमने कही अब क्या करें भगवान के करें तो सुबेरे ही फोन आ गए भगत जी उनका मदीन दिन मंगलवार था तो हमने कही फ़ोन उठाए हमने फिर फोन उठाए तो बोले कौन तो बेटा बोले मैं बैतुल से बोल रहा हूँ बोले तो हमने कही ठीक है तो बोले आ जाओ बेटा बोले आप बोले नाम दाने लेने के हमने कही हाँ आएंगे तो हमने जल्दी जल्दी नहाए और हमने यही ब्रह्मा विष्णु की पूजा करे और चले गए फिर हमने वहाँ बैतुल में नाम दीक्षा ली है संत रामपाल महाराज जी से गुरु जी से आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए हाँ सर क्यों नहीं लाभ मिले मैं इतनी बड़ी खड़ी हूँ मेरा तो ऐसा पेट घुस गया था बोलकर रोटी जैसा पेट हो गया था पूरी मरने लाग के हो गई थी आँखें अंदर घुस गई थी इतने इतने गाँव भर जाए मेरे आँखें में ऐसी हो गई थी मरने लाग के हो गई थी एक भगत जी आते थे हमको समझाते थे कि बेटा एक कटोरी दलिया नहीं पी सकती थी भगत जी आते थे सोमसन भगत जी वो भगत जी हमको समझाते थे कि बेटा ऐसी भक्ति करो ऐसे मालिक को पढ़ जो ऐसे सुमरन करो ऐसे डट प्रणाम करो मालिक का तो मैं कहती कि हाँ भगत जी करेंगे हमारे घर आते थे डेली भगत जी एक घंटा एक डेढ़ घंटा रोज बैठते थे रोज बैठते थे आज मालिक की दया से कि मैं आज दुनिया देख रही हूँ बिगर ऑपरेशन का ठीक हो गई हूँ मैं मेरे पति का भी ठीक हो गया है मेरा भी ठीक हो गया है जो दस हजार की दवा खाती थी तो वो आज मालिक के द्वारा से मैं संतरामपाल गुरुजी गुरु जी के परिवार से मैं सब अच्छी हूँ मालिक की दया से बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए तो जो भगत समाज आज, आज आपको देख रहा है और जो लोग दुखी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं यही संदेश देना चाहूंगी कि मैं मालिक के शरण में आप भी आए संतराम स्वागत गुरु जी के शरण में जो भी है बिगड़ भक्ति की जो पूजा कर रहे हैं परमात्मा की वो भी आ जाए वो भी सुमरन करे मालिक का आप जैसे मेरे को देख रहा है वैसी आप भी हो जाएंगे जो भी परेशानी से है सब दूर हो जाएंगे धन्यवाद जी धन्यवाद